हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। साल 2009 खत्म होते होते एक फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा डाला था। नाम था थ्री इडियट्स। उस फिल्म में एक किरदार ऐसा था जो तीनों दिग्गज एक्टरों पर भारी पड़ गया था। वो किरदार था चतुर रामालिंगम, या कहें साइलेंसर। पहली ही फिल्म से इस रोल को करने वाले ओमी वैद्य बॉलीवुड में बड़े हास्य कलाकार बनकर उभरे। हर ओर बस चतुर की कॉमेडी की चर्चा होने लगी। सबको लगा हिंदी फिल्मों में एक बड़े कॉमेडियन का उदय होने जा रहा है। फिल्मी पंडित तक उसके नंबर वन कॉमेडियन बनने की भविष्यवाणी करने लगे। मगर फिर अचानक 3 साल बाद वो फिल्मों से गायब हो गया। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जो नंबर वन कॉमेडियन बनने की रेस में तेजी से दौड़ रहा ये कलाकार बस 3 साल में बॉलीवुड से साफ हो गया? इसके पीछे ओमी वैद्य का एक फैसला था जो उनको ले डूबा। चलिए हम आपको इनके करियर बर्बाद होने का पूरा सच बताते हैं, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। थ्री इडियट्स फिल्म आपने देखी होगी तो उसमें चतुर हिंदी सही से नहीं बोल पाता था। वैसे ये कोई नौटंकी नहीं थी, क्योंकि असल में ओमी वैद्य भारत में पैदा ही नहीं हुए ना यहाँ पले बढ़े। वो तो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में 10 जनवरी 1982 को जन्मे थे। घर में दो दो डॉक्टर, पिता भी भाई भी। सबको लगता कि ओमी भी बड़े होकर डॉक्टर ही बनेंगे, मगर उनकी माँ ने कुछ और ही सोचा हुआ था। वो बेटे को एक्टर बनाना चाहती थी। इसी वजह से बस 6 साल की उम्र में बेटे को एक्टिंग डांसिंग सिखानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ओमी को भी अभिनय कर लोगों का मनोरंजन करना अच्छा लगने लगा। एक्टिंग का ऐसा शौक चढ़ा कि ओमी ने 9 साल की उम्र में अमेरिका के मराठी ग्रुप ज्वाइन कर वहाँ नाटक करना शुरू कर दिया। वहीं 14 साल की उम्र में वो लॉस एंजेलिस हाई स्कूल के कला विभाग में पहुंच गए और यहां फिल्मों की मेकिंग की जानकारी हासिल की। यहां से सीधा पहुंच गए न्यूयॉर्क के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। यहां से फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन सीखा और 2003 में ग्रेजुएट बनकर निकले। मगर उनको प्रोडक्शन में नहीं बल्कि एक्टिंग में मजा आता। अमेरिका में एक्टिंग के काम की तलाश में निकले तो एक दो टीवी सीरियल जरूर मिले, लेकिन अमेरिकन प्रोड्यूसर छोटा सा रोल देते जिसमें किसी एशियन को दिखाना होता। ओमी बस मजबूरी में उन किरदारों को कर रहे थे, बस इसलिए कि शायद कभी तो किस्मत खुलेगी। और फिर एक दिन किस्मत खुल गई। आपको बताते हैं कि लॉस एंजेलिस का ये एक्टर बॉलीवुड की थ्री इडियट्स में कैसे पहुंच गया। असल में मशहूर प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा थ्री इडियट्स फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको तलाश थी फिल्म में 3 अदाकारों की जो इडियट्स का रोल कर सकें। वैसे आमिर खान तो फाइनल हो चुके थे, बाकी के लिए ऑडिशन चल रहे थे। अब हुआ ये कि ओमी का एक दोस्त था जो फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखा करता था। वो विधु जी के साथ काम कर चुका था। एक दिन वो ओमी के पास आया और बोला कि यार, विधु एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं थ्री इडियट्स, जिसके लिए ऑडिशन चल रहे हैं, तुझे भी कोशिश करनी चाहिए। ओमी हंस पड़े क्योंकि उनकी हिंदी टूटी फूटी थी। वो बोले, मुझे हिंदी फिल्मों में कौन लेगा। मगर भारत से लगाव तो था ही, क्योंकि बचपन में जब परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर गोवा आया करते तब मुंबई में भी घूमने आते थे। फिर दोस्त ने बोला, एक डेमो वीडियो भेज दे। ओमी ने भी डेमो वीडियो भेज दिया और भूल गए। कुछ महीनों बाद साल 2007 में अचानक डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के ऑफिस से कॉल आ गया। इत्तेफाक से ओमी उन दिनों भारत में ही थे। उनको इडियट्स के किरदारों के लिए ऑडिशन देने को बुलाया गया। वो ऑडिशन देने हिरानी के ऑफिस पहुंचे तो टूटी फूटी हिंदी बोलना शुरू कर दिया। ऑफिस में मौजूद लड़की बार बार हिंदी के लिए टोकती रही और बस 1 मिनट बाद ही थैंक यू बोलकर जाने को बोल दिया। वो समझ गए कि ऑडिशन में फेल हो चुके हैं। मगर कुछ समय बाद उनको दोबारा फोन आया और उनको ऑफिस बुला लिया गया। इस बार उनको कोई डायलॉग बोलकर दिखाने को कहा गया। ओमी ने भी विधु जी की फिल्म मुन्ना भाई MBBS का एक सीन अपने अंदाज में कर दिया।
आखिरकार साल 2008 में फाइनल कॉल आया, जिसमें उनकी मुलाकात सीधे फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी से हुई। हिरानी सीधा बोले, देखो ओमी, थ्री इडियट्स तो चुन लिए गए हैं, मगर तुमने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए इस फिल्म में एक नया किरदार रचा जा रहा है जो फिल्म की जान होगा। बस तुमको ये रोल चाहिए तो तीन शर्तें माननी होंगी। पहली, हिंदी सीखनी आज से ही बंद करनी होगी। दूसरी, हिंदी फिल्में नहीं देखोगे। और तीसरी, तुमको अपना वजन 6 किलो बढ़ाना होगा। लेकिन सीन शूट होते ही तुमको 6 हफ्तों में वजन तेजी से घटाना भी पड़ेगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म के बाद वाले हिस्से पहले शूट किए गए थे, जिसमें चतुर को अमेरिका रिटर्न मोटा आदमी दिखाया गया था। वहीं बाद में पहले हिस्से शूट हुए, जिसमें चतुर कॉलेज छात्र होते हैं। खैर, ओमी की कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी, लेकिन इतना बड़ा ऑफर कैसे ठुकराते। फौरन तीनों शर्तें मान ली और लग गए वजन बढ़ाने में। 6 किलो वजन बढ़ाया और शुरू हो गई शूटिंग। फिर कॉलेज वाले भाग की शूटिंग IIM बेंगलोर में हुई, तो बड़ी मुश्किल से वजन भी घटा लिया। फिल्म बन गई, लेकिन अब जानिए फिल्म के प्रीमियर के दिन क्या घटना हुई। साल था 2009, फिल्म के प्रीमियर का दिन। आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन को तो सब पहचानते थे, लेकिन ओमी वैद्य को कोई पूछ ही नहीं रहा था। वो चुपचाप एक कोने में खड़े थे। फिर फिल्म शुरू हुई। साइलेंसर बने ओमी वैद्य की हिंदी, उनका मंत्री जी की मौजूदगी में हिंदी वाला भाषण तो चमत्कार कर गया। ऐसा अभिनय कि फिल्म खत्म होते ही ओमी तीनों इडियट्स पर भारी पड़ गए। प्रीमियर खत्म होते ही लोगों ने उनको घेर लिया। कोई ऑटोग्राफ मांग रहा तो कोई साथ में फोटो खिंचवा रहा। फैंस ने ऐसा घेरा कि बाथरूम तक जाने के लिए उनको आधा घंटा लग गया था। बॉलीवुड के नए स्टार कॉमेडियन का रातों रात उदय हुआ था। एक ही फिल्म ने चतुर रामालिंगम यानी ओमी वैद्य का करियर उड़ान पर ला दिया। वो दौर ऐसा आया कि उनके फोन की घंटी दिन हो या रात रुकती ही नहीं थी। कोई बधाई देता तो कोई अपने शो में इंटरव्यू के लिए बुलाता। कास्टिंग एजेंट उनके चक्कर लगाने लगे। बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियों के न्योते आने लगे। बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में बेस्ट कॉमेडियन का खिताब मिलने लगा। फिल्म मेकर्स भी उगते सूरज को सलाम करने लगे। प्रोड्यूसर अपनी अपनी फिल्में लेकर उनके पास पहुंचने लगे। मुंह मांगी रकम देने को हर कोई तैयार। बड़ी बड़ी फिल्में मिल गईं। ओमी को लगा जैसे बड़ा स्टार बनने का सपना सच हो गया। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि ओमी वैद्य का पूरा करियर अचानक से बर्बाद हो गया? असल में इसके पीछे उनकी नासमझी और एक गलत फैसला था, जो उभरते कॉमेडियन को ले डूबा। हुआ ये कि थ्री इडियट्स के सुपरहिट होने के बाद ओमी वैद्य को बड़े बड़े बजट की फिल्में ऑफर हुई। फिल्म मेकर्स इनकी उसी छवि को फिर से दिखाकर पैसा कमाना चाहते थे। ओमी बॉलीवुड में नए थे, उनको समझ ही नहीं आया कि उनकी छवि को बस फिल्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चतुर जैसे ही रोल ऑफर हुए, लेकिन फीस की रकम बहुत मोटी दी गई। वहीं फिल्म में अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, अजय देवगन से लेकर अभिषेक बच्चन जैसे सितारों के साथ थी। ओमी ने मोटी फीस और सुपर स्टार्स को देखकर फिल्में साइन कर ली, लेकिन फिल्म में अपने रोल पर ध्यान नहीं दिया। साल 2011 और 12 में उनकी एक साथ 4 फिल्में आईं, दिल तो बच्चा है जी, देसी बॉयज, प्लेयर्स और जोड़ी ब्रेकर्स। एक आध को छोड़ दें तो सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। वहीं जो थोड़ा चली उसका क्रेडिट भी बड़े स्टार्स ले उड़े। वही घिसे पिटे रोल करने के चक्कर में ओमी के करियर पर बट्टा लग गया। अब उनको समझ आया कि वो टाइप कास्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने अब जांच परख कर फिल्म साइन करने का फैसला किया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक साथ 4 फ्लॉप किरदार उनको ले डूबे थे। अब फिल्म मेकर्स ने उनको पूछना ही छोड़ दिया और रातों रात कॉमेडी स्टार बन गए ओमी वैद्य का करियर डूब गया। जब काम नहीं मिला तो थक हार कर वो वापस अमेरिका चले गए। साल 2012 से 2017 तक वो गायब रहे। फिर 2017 में दोबारा वापसी की कोशिश की बी ग्रेड फिल्म मिरर गेम से। फिर 2018 में ब्लैकमेल फिल्म में नजर आए। ये दोनों भी फ्लॉप हो गई और बॉलीवुड में वापसी की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। वैसे साल 2009 में ही ओमी की शादी हो गई थी।
उनकी पत्नी का नाम मीनल पटेल है। दोनों के दो बच्चे हैं। एक्टिंग करियर डूब गया तो वो डायरेक्शन में हाथ पैर मारने लगे। साल 2022 में वो मराठी फिल्म के डायरेक्शन के लिए पुणे भी आए थे। काश ओमी ने थोड़ा समझदारी दिखाई होती तो शायद बॉलीवुड के पास एक बेहतरीन कॉमेडियन होता। दोस्तों, आपको चतुर साइलेंसर यानी ओमी वैद्य कैसे लगते थे? उनकी एक्टिंग और कॉमेडी आपको याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।